अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश बेबीज के ड्रेसेस के डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की डिज़ाइनिंग आपको पसंद आए। व्यूअर्स, वाकई आज की डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त है। वाइट कलर में तमाम ड्रेसेस हैं कि किस तरह से वाइट कलर में भी आप बना सकती हैं। वाइट कलर में फ्रॉक तैयार कर लें, मैक्सी फ्रॉक, अप डाउन फ्रॉक, पेपलन स्टाइल में प्रिंसेस फ्रॉक, तो बहुत से फ्रॉक आप तैयार कर सकती हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो में आपको दिखाई देंगे, इसलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर इस तरह की तमाम डिज़ाइनिंग देखने को मिले। तो व्यूअर्स, आप अपने बेबीज को इजीली पहना सकती हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि नेकलाइन पर डिज़ाइनिंग करें तो इस तरह से आप नेकलाइन पर भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। पर्ल्स लगाकर, लेसिस, बंचेस, चीज़ वगैरह की मदद से। तो व्यूअर्स, जब आप नीचे प्लेन स्टफ़ यूज़ करते हैं उसके ऊपर नेट लगा देते हैं तो जिससे डिज़ाइन की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम आपको छोटी छोटी टिप देते हैं कि आप अपने बेबीज़ के किस तरह से ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं जिनमें आपके बेबीज़ बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लगते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर पेश की जाए। तो इस तरह से व्यूअर्स, से देखिए बॉडी पर फुल आप बंचेस लगा लें, पैग स्लीव्स बना लें, फ्रिल वाला बना लें, जो 3 या 4 फ्रिल भी आप अटैच कर सकती हैं, वो बना कर लगा लें, वो भी बहुत अच्छी लगती है। व्यूअर्स, देखिए बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया। कुछ व्यूअर्स होते हैं जो अपने बेबीज को लॉन्ग ड्रेसेस पहनाना चाहते हैं, कुछ शॉर्ट पहनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम दोनों ही किस्म के लेकर आएँ ताकि जिसको जो अच्छा लगे उस तरह के ड्रेसेस अपने बेबीज को पहना लें। तो इस तरह से आप पहना सकती हैं। व्यूअर्स, जब आप बेल्ट के तौर पर रिबन लगाते हैं तो इससे फिटिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।